और अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि जल्द ही बिहार में सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी की तैयारी चल रही है। शक्ति यादव का कहना है कि पटना में जांच एजेंसियों का जमावड़ा भी शुरू हो चुका है। उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट क्या किया है वो भी आइए आपको हम दिखा देते हैं। शक्ति सिंह यादव आरजेडी के प्रवक्ता, बौखलाई हुई बीजेपी के सहयोगी सीबीआई, ईडी, आईटी बिहार में अतिशीघ्र ही रेड की तैयारी कर रही हैं। पटना में जमावड़ा शुरू हो चुका है और कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। शक्ति सिंह यादव ने ये ट्वीट किया है। एक तरफ जहां स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ शक्ति सिंह यादव ने इसी बीच जो जबकि बिहार की सियासत गरमाई हुई है उस बीच ये ट्वीट किया है शक्ति यादव ने। प्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, एक बड़ा दावा किया है शक्ति सिंह यादव ने, कहा है कि जल्द ही बिहार में सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की जो जमावड़ा है वो शुरू हो जाएगा। देखिए, कल जब विधानमंडल दल की बैठक हो रही थी आरजेडी की, तो उसमें यह कहा गया था कि जितने भी यहाँ पर विधायक हैं, मंत्री हैं, सभी सचेत रहें, सावधान रहें। जिस तरह से इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई सक्रिय है, उससे कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसी के लहजे में प्रकाश आपके साथ जो प्रवक्ता आगे बातचीत करेंगे। हमारे साथ शक्ति सिंह यादव खुद जुड़ गए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। शक्ति सिंह यादव जी, आपने ट्वीट किया है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स अब जल्द ही तैयारी कर रही है कार्रवाई की, क्यों ऐसा ट्वीट? जैसा देश का हालात है और जिन प्रदेश गुजर रहा है जी, भय का वातावरण है और लगातार जिस तरह से छापे पड़ रहे हैं, कह सकता है जहाँ संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति असंवैधानिक आचरण कर रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। क्योंकि नए गठजोड़ है, पहले जो प्रकोष्ठ इन्होंने गठित किया है संवैधानिक संस्थाओं की भारतीय जनता पार्टी के लिए, उस संभावनाओं से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हालात यही खुल करके आई है, जब विधानसभा का अध्यक्ष जो संवैधानिक आचरण करने के बजाय यह कह देता हो कि हम कल एनी हाउ हम बैठेंगे ही और हम आपके अविश्वास प्रस्ताव जो मेरे खिलाफ लाए हैं मैं उसका अमान्य करता हूं, जबकि प्रक्रिया काल संचालन नियमावली इस बात की इजाजत नहीं देती है कि जब कोई भी अध्यक्ष जिसके खिलाफ अविश्वास पेश हो गए हों और लगभग 40 विधायकों ने इनके खिलाफ अगर संबंध दे रखा है संबंध, तो फिर इनको सदन में जाने के बजाय इनको इंतजार करना चाहिए था कि विश्वास मत में क्या होता है। लेकिन उन्होंने इस प्रक्रिया को अनुपालन करने के बजाय एक तरह से मनमानी, जो कानून से ऊपर देश में कोई नहीं हो सकता है, कानून सर्वोपरि है, लेकिन कानून की अगर मखौल उड़ेगा, कानून की धज्जिया उड़ेगा, तो कौन सी संभावनाएं हैं जिस संभावनाओं के बारे में आप उम्मीद नहीं कर सकते। शक्ति जी, लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से आप ये आरोप लगा रहे हैं, इसका बेस क्या है? क्योंकि बार बार लगातार पक्ष विपक्ष में बयानबाजी तो खूब हो रही है, समझना चाहेंगे, दर्शकों को भी थोड़ा समझाइए कि इसका बेस क्या है, क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सीबीआई, ईडी एक्टिव हो जाएगी, छापेमारी शुरू हो जाएगी? देखिए, जब आदरणीय लालू प्रसाद जी के यहाँ लगातार छापे पड़े, इसके पहले भी छापे पड़े, छापे में कुछ नहीं मिलता है, लगातार ये प्रसप्शन बिल्डअप करने की कोशिश की जाती है कि वही एक आदमी है जो सबसे बड़ा देश में भ्रष्टाचारी है, बाकी तो जिन लोगों ने हजारों करोड़ रुपए लेकर करके देश से फरार हो गए वह तो बिल्कुल एकदम हरिश्चंद्र जैसे हैं। और आप छापा मारते हैं, छापा में आपको गोबर के सिवा और आदमी के सिवा कोई मिलता नहीं है, फिर भी इस तरह की जो आप अख्तियार करते हैं, अब स्वाभाविक तौर पर ये कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बिल्डअप होता जा रहा है। आप देखें कि महाराष्ट्र में किस तरह से एक परसेप्शन बिल्डअप करने की कोशिश की, और देश में हर पॉलिटिकल पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी से अलग राय रखती है उनके खिलाफ इनकी जो कार्रवाइयां हैं जग जाहिर है, जो अब कैबिनेट के फैसले पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जो आखिर जो इस देश के अंदर में फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय व्यवस्था है, उसका कोई महत्व है कि नहीं है? आप राज्यों का अपना एक वजूद है कि नहीं है? तो आप ये कह रहे हैं सीबीआई, ईडी जो कार्रवाई कर रही है, जहां कार्रवाई कर रही है, वो सब राजनीति से प्रेरित है, यही मतलब निकाले इसका? अब तो आप ऐसे ही बताइए कि इस देश के अंदर में 95% जो केस हुए ईडी के, वो सारे केस जो है विपक्ष के नेताओं पर है,
कन्विक्शन रेट क्या है 0.5 है। अब कल्पना कर लीजिए जब विपक्ष के आप खुद कहते हैं कि ना हम खाते हैं ना खाने देते हैं, तो 95% लोग विपक्ष के ही लोग क्यों रडार पर है। और आपके यहाँ मुकुल राय से लेके सुरेंद्र अधिकारी से लेके अजीत पवार नारायण राणे जैसे लोग जब आपके पास चले जाते हैं तो उंगलियों पर नोट गिनते पता चलते हैं, वो आपके यहाँ जाते हैं तो हरिश्चंद्र हो जाते हैं, इससे वो कमल चांद बाबू उनके शरीर पर लेप चढ़ जाता है। इसलिए इन बातों से कोई इनकार नहीं कर सकता है। ठीक है शक्ति जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए। तो शक्ति जी यादव इन्होंने ट्वीट किया है, बिहार में ईडी सीपीआई छापेमारी की तैयारी में है। प्रकाश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, आप शक्ति सिंह यादव को सुन रहे थे और वो बार बार जिस तरह की बातें कर रहे हैं सीधा डर जता रहे हैं, आखिर कैसे देखें इस पूरे मामले को? क्या पहले से ही तैयारी शुरू कर दी गई है कि इस तरह के आरोप लगाए जाएं ताकि इस तरह की स्थिति बनने से पहले ही उसके रास्ते भी निकाले जा सकें? देखिए आदर्श, ये स्पष्ट है कि कल जब शाम में बैठक हुई थी तो उस बैठक के दरमियान ही ये बातें साफ हो गई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से एक्टिव हो जाए। और खास तौर पे इनकी आशंका इसको लेकर के है कि पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा था कि जो घोटाले हुए थे, जिस पर आरोप लगे थे घोटाले के, उसमें जो मुख्य गवाह के तौर पर काम किया भोला यादव जो लालू परिवार के बेहद करीबी रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और वो उस वक्त हुई थी जब नीतीश और तेजस्वी के साथ आने की कवायद चल रही थी, बातचीत सामने आ रही थी। तो इसी के मद्देनजर कि कहीं ऐसा ना हो कि विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में कोई भी कार्रवाई हो सकती है, ये आशंका व्यक्त की जा रही है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि भाजपा के सहयोगी सीबीआई, ईडी, आईटी अति शीघ्र ही रेड करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये पहले से ही बताया जा रहा है। जो इनका कहना है कि कहीं ऐसा अगर होता है तो ये मानकर चला जाए कि हमारे खिलाफ में ये पहले से हमको आशंका थी। और ये सब कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, इसीलिए एक तरीके से परसेप्शन बिल्डअप करने की कोशिश भी हो रही है। क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।